Don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserved this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this pain. Hello everyone, and welcome to the yet another episode of the Executive Show in the podcast series named Nobody to Somebody. तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर अरविंद शर्मा. वेलकम अरविंद जी. थैंक यू सो मच. तो अरविंद जी एक न्यूज़ एंकर है, एक यूट्यूबर है, एक रिनाउंड यूट्यूबर हैं आई वुड से. सो आज हम इनके बारे में जानेंगे और इनकी यूट्यूब जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके न्यूज़ एंकर की जर्नी के बारे में जानेंगे. तो अरविंद जी, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम. थैंक यू. एंड मैंने सुना है कि आप पहले एम्प्लॉय भी थे एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन में. जी. तो हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे आपकी स्ट्रगल स्टोरी. आप पहले एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय से आपने स्विच किया एज अ ऑल न्यू वेंचर एज एन न्यूज एंकर एंड यूट्यूबर. तो उसकी जर्नी कैसी थी और आपने क्या फेस किए, चैलेंजेस क्या फेस किए, उसके बारे में थोड़ा आप व्यूअर्स को बताएंगे. जी. तो समक्ष सबसे पहले तो आपका मैं अगेन वेलकम और थैंक यू करना चाहता हूँ, आपकी ऑडियंस का वेलकम. क्योंकि मैं अपनी लाइफ को शेयर करूँ उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 10 साल जैसा आपने कहा कि 10 ईयर्स मैंने अपना एम्प्लॉई जो सर्विस है वहाँ पे निकाला एमएनसी के अंदर. मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी इन्फोसिस, वहाँ पे मैंने 4.5 ईयर, मोर देन 4.5 ईयर्स मैंने वर्क किया. काफ़ी रिकॉग्निशन मिले, काफ़ी अवार्ड मिले और यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट में हर किसी शिफ्ट में मैंने काम किया है. हर दुनिया के किसी भी कोने के क्लाइंट से मेरा इंटरेक्शन रहा है और वहाँ से गिफ्ट्स भी आई है, वहाँ के रिकॉग्निशन भी, अवार्ड भी मुझे मिले हैं. उसके बाद में मैंने मेटलाइफ में काम किया और वहाँ पे भी मोर देन 4.5 ईयर्स मैंने वहाँ पे काम किया. तो ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स मेरी जर्नी है. वहाँ पे भी रिकॉग्निशन काफ़ी अच्छा, रिस्पेक्ट और सब चीज़ें मुझे मिली. तो वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं. आपको अगर किसी आप सेक्टर में हो तो वहाँ पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको है ना सब पूरा अपना एफर्ट्स देने पड़ते हैं कि इससे भी बेस्ट आपको कैसे किया जाए. उसके बाद में मुझे न्यूज़ एंकर का कहीं ऑफर मिला और वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया. वहाँ पे मैंने जो हमारे पॉलिटिकल्स पॉलिटिक्स का है और ट्रेंडिंग है, काफ़ी चीज़ें मैंने कवरेज भी की और इलेक्शन के टाइम पे भी मैंने काफ़ी कवरेज किया जयपुर में. तो उसके बाद में मुझे बुलाना चाहता कि यार मेरा इन्फ्लुएंस है, मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ. वो भगवान ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया है. ठीक है, अगर मैं किसी के साथ एक घंटा आधा घंटा बैठता हूँ तो ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं मेरा मतलब वो मुझे याद जरूर करेगा. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्यों ना मैं कुछ इन्फ्लुएंस करूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा कुछ है. तो मुझे घूमने का और खाने का बहुत शौक था. तो मैंने सोचा कि यार न्यूज़ एंकरिंग के साथ साथ मुझे कुछ ब्लॉगिंग या कुछ मुझे जो एक नॉलेज है वो उसको शेयर करना चाहिए, तो उससे बढ़ता है. तो उस टाइम पर कोरोना काल चल रहा था, तो अब यूट्यूब का मुझे दिखा कि लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर दिया. और मेरा फर्स्ट चैनल था नोवेल गुरु, वो टेक्निकल चैनल है. वहाँ से मैंने उठा यूट्यूब पर कैसे चीज़ें अपलोड होती है, कैसे आप काम कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में मैंने टेक्निकल रिव्यूज़ दिए मोबाइल के, लैपटॉप के काफ़ी. तो आप मेरा चैनल देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी खासी ऑडियंस है और अच्छे खासे व्यूज़ मुझे मिले हुए हैं. इवन एक वीडियो ऐसा भी है जहाँ पे मेरे 1 million व्यूज़ भी है. तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड वो तो वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड मेरा वीडियो था और वो काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया. पूरी मतलब वहाँ पे जो ट्रैफिक है ना वो 50% बाहर का ट्रैफिक था, तो लोगों ने बाहर भी काफ़ी उसको अच्छा पसंद किया. उसके बाद में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो फूड ब्लॉग, ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे आप कहीं कह दो कि हाँ घूमने चलना है या खाने चलना है तो मैं डेफिनेटली आपको ना नहीं कर पाऊंगा. तो मैंने फूड ब्लॉग के लिए नोवेल ब्लॉग्स करके एक जयपुर से स्टार्टिंग की थी मुझे, जैसे गुलाब चाय हुआ, हमारे रावत कचोरी जो लस्सी है एमआई रोड पर, उनका मैंने कवरेज किया. फिर धीरे धीरे जयपुर चौपाटी वगैरह कवरेज करता करता मैंने बाहर का भी, ऋषिकेश का, ये काफ़ी जगह मैंने कवरेज किया. इंदौर से भी मैंने जो इंदौर की चौपाटी है वहाँ का भी मैंने कवरेज किया है. तो अब मेरी कोशिश ये है कि इंडिया के जितने भी जो फेमस फूड ब्लॉग है या फूड जो एक ऐसा है जिसको मैं एक्सप्लोर करूं, लोग नहीं जानते हैं. क्योंकि मेरा मैंने देखा है कि जो बड़े आउटलेट होते हैं वहां पे लोग चल जाते हैं लेकिन उनको टेस्ट वो नहीं मिल पाता है. और जो छोटे आउटलेट जैसे कोई साइकिल से स्टार्ट कर रहा है, कोई ई रिक्शा से स्टार्ट कर रहा है, उनको वो प्रमोशन आप कह सकते हैं, उनको वो प्रमोशन नहीं मिल पाता है. तो मेरी कोशिश अब ये रहती है कि कोई कितना भी हो, अगर किसी में किसी का टेस्ट है या किसी का लगन है तो मैं उसको ऑडियंस तक पहुंचाऊं. और मेरा ऑडियंस ने रियली काफ़ी मतलब उसको चाहा है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी मेरे उन फूड ब्लॉग पे आते हैं.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी इंप्रेसिव अरुण जी। जी। और जैसे आपने एक इन्फ्लुएंस की बात करी बीच में कि आप बहुत ही इन्फ्लुएंसिव थे, तो इसलिए आपने सोचा कि आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि आजकल यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे काफी इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, इनफैक्ट इंस्टा पे भी, ठीक है? तो इन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पहली बात तो आप क्या क्या सोच रखते हैं या क्या आपके व्यूज हैं इनके बारे में, और दूसरा मैं जानना चाहूंगा अगर कोई एज अ यूट्यूब में करियर बनाना चाहता है जी, तो उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में? ठीक है। जैसे आपने बोला कि आपके 1 मिलियन व्यूज आते हैं एक वीडियो पे, तो उस टाइम तो आई वुड से कि आपके खुशी का ठिकाना ही रहोगे उस टाइम तो। जी, जी, तो ऐसे ऐसे कौन से टैक्टिक्स हैं जिससे आप व्यूज बढ़ा सकते हैं या आप यूट्यूब पे एज अ यूट्यूबर अच्छी तरह ग्रोथ कर सकते हैं? जी, तो समक्ष आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे 50 या 100 व्यूज आते थे तो मैं खुशी मनाता था कि हाँ मेरे 100 व्यूज हो गए, ठीक है 50 व्यूज हो गए, तो मैं बाहर जाके बोलता था मेरे आज 50 व्यूज इस वीडियो पे हो गए, तो खुशी मिलती थी। तो जब भी आप स्टार्टिंग करें आप वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, आपको कंसिस्टेंस काम करना है। ये नहीं कि जैसे आपने 4 वीडियो अपलोड कर दिए तो आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर आपका पैशन है तो आप यूट्यूब पे आइए, क्योंकि अर्निंग जो गूगल एडसेंस की होती है वो बहुत कम होती है। स्पॉन्सर मिलते हैं मुझे स्टार्टिंग में, एप्लीकेशन के स्पॉन्सरशिप मैंने किया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि कोई एप्लीकेशन है वो गेमिंग का है या है, तो वहाँ पे वो पैसा कमा के निकल जाएगा तो किसी का लॉस होगा। तो आप इन्फ्लुएंसर हो तो आप ऐसा कभी भी प्रमोट ना करिए जिससे किसी का लॉस हो। तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी, मैंने एप्लीकेशन के इन्फ्लुएंस करवाया, स्पॉन्सर मैंने किए, बाद में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं अगर किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ तो सही डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करना चाहिए, गलत डायरेक्शन में नहीं। बाकी आप अगर आप में पैशन है किसी चीज़ को करने का तो आप डेफिनेटली सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके 1 मिलियन व्यूज वो सब्सक्राइबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, भले ही आपके 1000 सब्सक्राइबर हो लेकिन वो 1000 आपके कंसिस्टेंट हो, वो आपको देखें, वो आपको फॉलो करें। आपको सब्सक्राइबर के पीछे नहीं भगना है, आपको व्यूज के पीछे नहीं भगना है, आपको कंटेंट आप कैसा कर रहे हैं। हो सकता है आपको 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स बाद में आपको सक्सेस मिले, लेकिन वो सक्सेस ऐसी मिलेगी कि आपका ग्राफ यू डायरेक्ट बढ़ेगा, तो वो चीज होती है। बहुत ही बढ़िया सजेशन, बहुत ही बढ़िया सजेशन, थैंक यू सो मच। तो अरविंद जी मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा यूट्यूब को लेके, कि जैसे अभी यूट्यूब में लोग काफी एक्टिव हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी हो उसमें क्या स्कोप है। मैं एज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोल रहा हूँ कि यूट्यूब का, इंस्टा का, जो भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका स्कोप क्या है फ्यूचर में, आपको क्या लगता है क्या ये इतने ज्यादा आगे सक्सेस करेंगे, और जो अभी एक्टिव यूजर्स बढ़ रहे हैं यूट्यूब पे या एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं उनको कैसे आगे ग्रोथ मिल सकती है यूट्यूब के बढ़ने से, या और कोई ऐसा एप्लीकेशन आपके माइंड में कि जो यूट्यूब को सरपास कर जाएगा? तो समक्ष आपका बहुत सही क्वेश्चन आपने पुट अप किया है, लेकिन मैं ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि यार अच्छा क्या कर रहा है यूट्यूब, तो वो उसको वो समझते हैं। लेकिन अगर मैं ब्रांड का नाम बताऊं तो आज उनका नाम एक ब्रांड बन चुका है, जैसे सौरभ जोशी हुए है ना, भुवन बाम हुए या कैरी मिनाटी हुए, वो यूट्यूब से ही निकले हैं। आज उनका बॉलीवुड में भी नाम है और मीडिया कंपनी भी उनको हायर करना चाहती है, सब कुछ उनको अप्रोच करना चाहते हैं। तो इसका ये आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि यूट्यूब का इन्फ्लुएंसिंग कितना पावर है। दूसरी बात मैं आपको रेवेन्यू के मामले में बता देना चाहता हूँ कि जितनी बीपीओ इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेट करती है उतना गूगल एडसेंस से रेवेन्यू इंडिया में जनरेट होता है। तो आप क्योंकि एक मिनिस्टर है हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, वो खुद कहते हैं कि मैं यूट्यूब से 3-4 लाख महीना कमाता हूँ। तो वो उनका भी कहना है कि आप यूट्यूब पे अपना डेटा डालिए, अपना कुछ काम कीजिए ताकि वो जो एक सेकेंडरी इनकम आपकी हो जाए ना, तो बेटर है। आप अगर डायरेक्ट इसको करियर नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन अगर आपका पैशन है तो आप इसको जरूर इस पर आए और काम करें, ठीक है, और सही डायरेक्शन में आपको पहचानना है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। बाकी ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इन्फ्लुएंसिंग ये मान के चलिए कि आज हर कोई अपनी पीआर मैनेज करना चाहता है कि मेरे सोशल मीडिया पे मुझे प्रमोशन मिले, क्योंकि सोशल मीडिया को ही लोग देखते हैं। टीवी और न्यूज़पेपर का टाइम अब धीरे धीरे जाता जा रहा है, अब हर कोई आपको मोबाइल पे दिखेगा, भले ही वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो। तो ये इन्फ्लुएंसिंग आप सोशल मीडिया पे ही होगी, आने वाले जितने भी कैंपेन हैं वो आप सोशल मीडिया पे होने लग गए हैं। और मोदी जी का अगर आपको कैंपेन पता हो तो वो सोशल डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो वो चीज है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही बढ़िया आपका ये आंसर लगा मुझे कि यूट्यूब और सोशल मीडिया कभी बंद नहीं होने वाली फ्यूचर में, क्योंकि जमाना इसी का है। जी जी, जी। तो अभी आप, मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ अपने सारे गेस्ट से, कि आप एक थोड़ी से आपके 2 या 3 लाइनें, एक तो
तो थोड़ा व्यूअर्स के लिए, ठीक है, मतलब वो थोड़े मोटिवेट रहे कि वो जो कर रहे हैं वो सही जगह पे हैं, वो करते रहें, और जहाँ पे वो हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। जी, पहली चीज तो ये, और दूसरा आप इस चैनल के बारे में क्या सोचते हैं, इस सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं? जी, तो सबक आपका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जो आपके ऑडियंस है उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप में कुछ पैशन है, भले ही आपका स्पोर्ट्स हो, अगर स्पोर्ट्स में आप कुछ करते हैं, स्विमिंग में कुछ करते हैं, तो उसको ऑडियंस को दिखाइए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। भले ही आप स्विमर हो तो आपके स्विमिंग के अलग अलग तरीके आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, अपना चैनल स्विमिंग का स्टार्ट कर सकते हैं, आपको फुटबॉल खेलनी है, क्रिकेट खेलना है, या कुछ उसके क्लिप्स आप है ना यूट्यूब पे अपना चैनल बना के डाल सकते हैं। डांसिंग में अगर आप डांस के परफेक्शन है, सिंगिंग में हो, किसी भी सेक्टर में हो, आप अपने वहाँ पे मोमेंट्स डाल सकते हैं, या आप ट्रैवलिंग के शौकीन हो तो वहाँ पे ट्रैवल के मोमेंट आप वहाँ पे डाल सकते हैं, शॉर्ट्स आप बना सकते हैं, शॉर्ट्स का जमाना है, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स भी वो उसका जमाना है, तो आप क्योंकि उसको आपको फन के साथ साथ एक एनर्जी आती है कुछ और नया करने की, ठीक है, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपसे दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी आपको कहती है कि यार मैं कुछ और करूँ। जब आपके कमेंट आने लग जाते हैं ना तो आप ऑडियंस के लिए कुछ और करना चाहते हो क्योंकि वो आपकी दूसरी फैमिली है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबको अपना लाइफ एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। और इस चैनल के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी मैं कहना चाहता था कि ये एक ऐसा चैनल है जिसमें इंसान अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता है और दूसरों को इससे सीखने को मिलता है। हर किसी की लाइफ में अप्रोच अलग होती है, आपकी लाइफ की अप्रोच और घर का जो माहौल है वो अलग होता है, लेकिन उस माहौल में आप अपने पेरेंट्स को स्वीकार करके उनकी परमिशन से आप जो चीज़ें करें ना वो अच्छा रहता है, क्योंकि पेरेंट्स भी मान जाते हैं, उनको ये समझाना पड़ता है कि इस चीज़ से ऐसा होता है, तो वो भी आपको कभी मना नहीं करेंगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इन्फ्लुएंसिंग और सोशल मीडिया बहुत लाइफ टाइम, आने वाले 50 साल 100 साल कहीं नहीं जाने वाला है, भले ही एप्लीकेशन का नाम चेंज हो जाए लेकिन ये सोशल मीडिया रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी एडवाइस, बहुत ही बड़ी एडवाइस अरविंद जी जी, एंड मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम फॉर कमिंग हियर जी, एंड वी विल मीट सून। श्योर श्योर, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू।